हसन रजा आए हैं नए बैट्समैन, हसन रजा ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, वहाँ 261 रन 14 मैचों में बनाए हैं। और ये देखिए अब पहली बार स्पिनर्स भी आए दूसरी तरफ से, अभी हम लोग बात कर रहे थे स्पिनर्स की, तो लीजिए लगते शुएब मलिक ने हमारी बात सुनी और स्पिनर्स को ट्राई किया है। अब्दुल रहमान स्लो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, अब देखते हैं अब क्या करते हैं। ये देखिए काफी क्लोज था, और ये लाइक बिफोर अगले ही ओवर में रहमान ने ब्रेक थ्रू हासिल किया, लेफ्ट आर्म स्लो, चौथी विकेट यहाँ दसवें ओवर में। ये देखिए हसन रजा इसको थोड़ा सा लेट खेले, रिएक्ट करने में थोड़ा सा लेट हुए, बिल्कुल बॉल जो है बॉल स्किट हुआ, बिल्कुल बॉल स्किट हुआ और वहीं पे रह गए, बिल्कुल खड़े खड़े खेल गए और जगह बिल्कुल प्लम्प था तो लग गए पिछले गेंद पे। ये हसन RBW है, अदनान बेग नए आने वाले खिलाड़ी, राइट हैंडेड बैट्समैन, थोड़ा सा फ्लाइट दिया रहमान ने ऑफ द मार्क अदनान। स्वीप करने के लिए गए और रन आउट की सूरत में विकेट मिली, बिल्कुल फोकस नहीं कराची के खिलाड़ियों का, मिस टीम अब आउट हो गई है 12वें ओवर में। ये देखिए अली असद अपना एंड छोड़कर बैट्समैन की तरफ चले गए थे, जबकि अदनान बेग शॉट खेलने के बाद फील्डर को देख रहे थे। 60 पर 5, ये अकबर रहमान 4 20-20 मैचेस में 33 रन बना चुके हैं, एक ही रन मुमकिन हो सकेगा बाउंड्री लाइन पर सरफराज अहमद। अगेंस्ट द स्पिन खेलने के लिए गए और इसी के सबब बैट्समैन ने आउट करार दिए गए। नदीम गौरी ने फौरी तौर पर अपनी उंगली फजा में बुलंद की, क्रॉस द लाइन शॉट खेलने के नतीजे में एक और विकेट कराची की गिरी। अदनान बेग थे, ठीक है अंपायर ने आउट दे दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ 2020 में थोड़ा सा अगर अंपायर जो है वो बैट्समैन के फेवर में अगर जेन रखे तो अगर इस तरह का फ्रंट फुट के ऊपर जो है अगर वो आउट ना भी दे तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं होगी। 4 रन आए अदनान ने 65 पर 6। और बोल्ड हो गए, इस बार दबा गेंद को निकालना चाहते थे बैट्समैन थर्डमैन की जानिब, लेकिन डिसीव किया उन्हें अब्दुल रहमान ने, तो यूं चंद गेंदों के मेहमान साबित हुए अनवर अली। कराची ये विकेटें यके बाद दीगरे यहां पर गिरती हुई, ये बॉल प्लेड इन हुआ है और मेरे ख्याल में अनवर अली को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था। एक रन बनाया अनवर अली ने 66 पर 7, कराची ज़ेब्रास। बाबर रहमान नंबर 9 बैट्समैन, गुज़श्ता सीजन में जब कराची ज़ेब्रास और सियालकोट का T20 चैंपियनशिप में मैच खेला गया था तो बड़ा जोरदार मुकाबला हुआ था और आखिरी ओवर में सियालकोट ने फतह हासिल की बमुश्किल, लेकिन आज अब्दुल बिल्कुल कहानी मुख्तलिफ और यकतरफा, कट किया 4 रन के लिए। ये देखें बात यह है कि ये जो इतना क्राउड अभी तक बैठा हुआ है
तो ये रेपुटेशन के ऊपर ही ये लोग बैठे हुए हैं अभी तक। इनको पता है कि कराची की टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, सियालकोट की भी बड़ी अच्छी टीम है। शुक्रिया तारिक सईद। और उठता हुआ स्ट्रोक, छक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी और अंपायर अकरम रजा का इशारा छक्के का। तो कराची जीब्रास के आखिरी बैट्समैन अपने इब्तदाई बैट्समैनों को एक सबक फराहम करते हुए कि अगर विकेट पर खड़ा हुआ जाए तो किस तरह से किया था, और इस जोरदार तरीके से छक्का लगाने में कामयाब हुए बाबर रहमान। छह चौके और एक छक्का अब तक लग चुका है और फैसल बैंक T20 कप 2010 के ऑफिशियल स्पॉन्सर फैसल बैंक ने इस टूर्नामेंट के दौरान, जो इस टूर्नामेंट के 18 मैचेस हैं, हर चौके पर ₹500 और हर छक्के पर ₹1,000 सैलाब जदगान की इमदाद के लिए देने का फैसला किया है। और अब हमें ज्वाइन किया है आमिर सुहेल ने। आमिर, जिस तरह की परफॉर्मेंस कराची जीब्रास के बैट्समैनों की रही, इब्तदाई बैट्समैनों की, 16 ओवर का इख्तिताम, 85 रन, 7 खिलाड़ी आउट, कराची जीब्रास। एक दफा फिर सियालकोट स्टैलियंस ने टूर्नामेंट का बड़े अच्छे तरीके से और कन्विंसिंगली आगाज किया और अधीर मलिक ने काफी अच्छी बॉलिंग की और एक और चांस क्रिएट किया और बड़े आराम से उन्होंने काफी बोल किया और एक और विकेट अपने लिए और अपनी टीम के लिए हासिल की। ये इनको जब आपने पिछले टूर्नामेंट्स में देखा तो कभी इन्होंने मीडियम पेस बॉलिंग की, इन्होंने कभी ऑफ ब्रेक की, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में लेग स्पिन बॉलिंग करे और बड़े कंट्रोल के साथ और बड़े इफेक्टिवली बॉलिंग करे और बड़े इंप्रेसिव इस रोल में लग रहे हैं। एक और विकेट, एक और मायूसी कराची जीब्रास के लिए और 88 रन के स्कोर पर 8वीं विकेट गिरी है कराची जीब्रास की। आउट होने वाले बैट्समैन बाबर रहमान 11 रन बनाने के बाद आउट हुए। ऑनरेरी ट्रेजरर मेदी हसन का इंतकाल हुआ है और उनके सोग में ये काली पट्टी बांधी। LBW की बड़ी जोरदार अपील और देखना, ये आमिर सुहेल बताएंगे, बल्ले से लग के आई या मिस कर रही थी लेग बाय का एक रन। देखिए, ये गेंद जो है लगभग मिडिल स्टंप के ऊपर पिच हुआ और डीविएट कर रहा था, लेकिन इतना डीविएट नहीं कर रहा था कि ये लेग स्टंप को मिस करता। स्लोअर डिलीवरी, दानिश कनेरिया के रन आउट होने का खतरा और यकीनी तौर पर दानिश कनेरिया के लिए डिसीजन को अंपायर, टीवी अंपायर को रिफर करेंगे। नदीम गौरी ने इंतजार किया और बिल आकर टीवी अंपायर को उन्होंने रिफर किया। बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि कनेरिया को वापस जाना होगा। ही शुड बी ऑन हिज बाइक। इमरान नजीर ने बड़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर अटैक करके बैट्समैन के लिए टाइम इतना नहीं छोड़ा कि वो वापस क्रीज में आते। साफ नजर आ रहा है कि बहुत मार्जिन से दानिश कनेरिया आउट हुए और सुर्ख लाइट खतरे की अलामत दानिश कनेरिया के लिए, रन आउट हुए। 18वें ओवर में 92 रन के स्कोर पर 9वीं विकेट गिरी कराची जीब्रास की और इनकी इनिंग्स का स्कोर कार्ड इनके बैट्समैनों की बेबसी की दास्तान सुना रहा है। कनेरिया बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। आतिफ मकबूल जो ऑफ स्पिनर है बैटिंग के लिए आए हैं और अच्छा स्ट्रोक आतिफ मकबूल का। ये बड़े टैलेंटेड बॉलर है, ऑफ स्पिनर है आतिफ मकबूल। और पूरे 100 रन दरकार होंगे पता के लिए, क्योंकि 99 रन 9 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर में कराची जीब्रास का स्कोर। राणा नवीदुल हसन आखिरी ओवर उन्होंने किया और बड़े खुश शकील अंसर विकेट कीपर और उनके दीगर खिलाड़ी सरफराज अहमद, पूरी टीम खुशी का इजहार करती है और यहां मायूसी का इजहार सादिक मोहम्मद की जान। तो इस तरह फतह के लिए 100 रन का टारगेट दिया है कराची जीब्रास की टीम ने। 5-स्टार सियालकोट स्टैलियंस को 5 रन की ओवर का रन औसत दरकार है।